सो स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 8.2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 4 डील करते हैं। चलिए, न्यूमरेटर में देखिए साइन 30 है, टैन 45 है और कॉस एक्स 60 है। वैल्यूज पुट करते हैं। साइन 30 डी का वैल्यू कितना होता है 1/2 प्लस कॉट 45 का स्टूडेंट कितना होता है वैल्यू 1 माइनस कॉस एक्स 60। कॉस एक्स इज अपोजिट ऑफ साइन। साइन 60 का वैल्यू होता है रूट अंडर 3/2, तो उसका अपोजिट डिफरेंशिएशन कितना लिखोगे 2/√3। ये तुम्हारा न्यूमरेटर पार्ट हो गया। चलो डिनोमिनेटर देखते हैं। sec 30 cos 60 और cot 45। sec इज अपोजिट ऑफ cos। अब तुमको कैसे भी cos अगर जो 30 आ जाएगा तुम्हारा, तो उसका अपोजिट करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा sec 30। तो सबसे पहले cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, वही जो sin 60 का होता है, तो √3/2 को अपोजिट करो, कितना हो गया 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री वही होता है जो sin 30 डिग्री होता है। sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। आगे क्या sin लगा है प्लस, चलो प्लस यहां पर आ जाओ। cot 45 इज अपोजिट ऑफ tan 45। tan 45 का वैल्यू 1, उसका पॉजिटिव वैल्यू कितना, 1 का अपोजिट 1 ही होता है। सो आ गया तुम्हारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पार्ट। नाउ स्टूडेंट, अब देखो 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 2/√3। यहां देखो स्टूडेंट 2/√3 और ये तुम्हारा वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2। देखो तो यहाँ 3/2 माइनस 2/√3 और यहाँ 2/√3 प्लस 3/2, थोड़ा इसको ऑर्डर में करो तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3/2 माइनस 2/√3। और डिनोमिनेटर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको आगे इसको है ना आगे पीछे कर सकते हैं, तो 3/2 प्लस में 2/√3। अब देखो स्टूडेंट एलसीएम लेते हैं 2√3 है ना, नीचे यहाँ 2√3 हो जाएगा, तो ऊपर ये 3√3 और यहाँ माइनस 4, तो एलसीएम ले लिया, हो गया तुम्हारा 3√3 माइनस 4। ये तुम्हारा न्यूमरेटर पार्ट हो गया। डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा एलसीएम यहाँ नीचे 2√3, ठीक है, ऊपर कितना हो जाएगा 3√3 प्लस 4, 3√3 प्लस 4, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो 2√3 डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया, क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3√3 प्लस 4, ओके। अब यहाँ तुम क्या कर सकते हो, रेशनलाइजेशन, क्या है यहाँ प्लस है ना, तो एक काम करो 3√3 माइनस 4 और ये 3√3 माइनस 4। देखो तो स्टूडेंट ये ऊपर √3 माइनस 4 और रूट अंडर 3√3 माइनस 4, क्या ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये क्या है 3√3 प्लस 4 इंटू 3√3 माइनस 4, यानी क्या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट इसको आगे एक्सपेंड करो, सो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर ये एक्सपेंड होगा है ना। देखो तो स्टूडेंट इसको एक्सपेंड करो तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर सबसे पहले, तो 3√3 का स्क्वायर करो तो 3 का स्क्वायर 9 और रूट अंडर 3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 जा 27, ऊपर लिखते हैं तो तुम्हारा हो गया 27। चलो b का स्क्वायर यानी कितना 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया स्टूडेंट 16 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू है 3√3 और b का वैल्यू है 4, ओके डिवाइडेड बाय नीचे क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, सो कितना हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर, अभी किया हम लोगों ने 27 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 16, ठीक है। तो अब इसको बस जो आ गया वही आंसर है तुम्हारा, चलो कितना हो जाएगा 43 माइनस 8 इंटू 3√3 डिवाइडेड बाई, ठीक है, सो तुम्हारा आंसर क्या हो गया स्टूडेंट 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है स्टूडेंट। अब नाउ ये अब 2 का 1 ट्राई करो स्टूडेंट, ठीक है।
चलो करते हैं। सो 2 टैन 30 डिग्री बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर 30 डिग्री। देखो तो स्टूडेंट 2 इंटू टैन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, टैन 30 डिग्री का वैल्यू तुम्हारा होता है 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर 30 डिग्री ना कितना होता है 1/√3 का क्या कर लेंगे हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। सो देखो स्टूडेंट क्या हो गया वैल्यू 2/√3 और ये वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा 1 + 1/3 है ना। नेक्स्ट अब करोगे तो ये फर्दर डिवाइडेड बाई 1 + 1/3 इज व्हाट 4/3 ठीक है। सो देखो क्या हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/4 यानी तुम्हारा स्टूडेंट कितना आ गया 6/4√3 ठीक है। अब देखो ये 2 और ये 3 यानी कितना हो गया 3/2√3। और कुछ कर सकते हो स्टूडेंट रेशनलाइजेशन देखते हैं ट्राई करते हैं √3/√3 कितना हो गया 3√3 डिवाइडेड बाई 2 × 3 3 कैंसल आउट हो गया वैल्यू कितना आया √3/2। अब देखो स्टूडेंट क्वेश्चन में हम लोग को ऑप्शन दिया होता है ना तो देखो ये वैल्यू आया है √3/2। ये बताओ कि ट्रिगो में किस रेशियोज में √3/2 हमको मिलता है और गिवेन ऑप्शंस में तुम्हारा कितना है। एक ऑप्शन है साइन 60 डिग्री इस क्वेश्चन में गिवेन ऑप्शन है 4 तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू तुम्हारा होता है √3/2 हेंस ये 2 का 1 हो गया हम लोग का। नेक्स्ट स्टूडेंट अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। चलिए 2 का 3 कहता है क्वेश्चन साइन 2a इक्वल टू 2 sin a। सो आपको क्या करना है देखो स्टूडेंट साइन 2a ये क्या है आपका एंगल है ठीक है जो भी मतलब 30 डिग्री हो 2a का वैल्यू अब 30 डिग्री है 60 डिग्री है कुछ होगा है ना तो साइन 2a दिस वन इज योर एंगल इक्वल टू 2 sin a। यहाँ पर एंगल आपका सिर्फ क्या है a है ठीक है। तो आपको बताना है कि a का ऐसा क्या वैल्यू होगा जिसके लिए इक्वेशन होल्ड करेगा इक्वल होगा ठीक है। सो स्टूडेंट कैसे करेंगे ध्यान दो देखो हम लोग जो गिवेन ऑप्शंस है एक ऑप्शन हम आपको पुट करके समझाते हैं कि क्या करना है। क्या करो स्टूडेंट आपने 30 डिग्री ए का वैल्यू 30 डिग्री लेकर के ट्राई करो ठीक है। साइन LHS है ये साइन 2 ए के जगह कितना पुट किया स्टूडेंट 30 डिग्री और ये है क्या एंगल पार्ट है तो LHS में ये 2 × 30 इज व्हाट 60 ठीक है। RHS में देखो स्टूडेंट ये जो है ये 2 जो बाहर है ये तो एंगल का पार्ट नहीं है तो RHS में 2 साइन ये कितना हम लोग का 30 डिग्री कंसीडर किए हैं 30 डिग्री। अब देखो स्टूडेंट साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 और 2 sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 यानी कितना हो गया तुम्हारा वैल्यू 1 ठीक है। तो देखो अगर हम 30 डिग्री ट्राई किया तो LHS में आता है √3/2 जबकि RHS में वैल्यू कितना आ रहा है 1 तो हम लोग 30 डिग्री नहीं ले सकते हैं ठीक है। ऐसे ही करके स्टूडेंट तुमको ट्राई करना है थोड़ा सा ध्यान दोगे तो तुमको पता है कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0। तो देखो यहाँ साइन 2 × 0 डिग्री और ये कितना है 2 sin 0 डिग्री ठीक है। तो देखो 2 × 0 = 0 तो यानी हमको साइन 0 डिग्री हो गया वैल्यू ठीक है और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 × sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 होता है तो 0 ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0 और इधर भी वैल्यू कितना मिला तुमको 0। सो हम ये पाते हैं कि a का वैल्यू अगर हम लोग 0 डिग्री रखते हैं तो इक्वेशन क्या हो जाएगा करेक्ट। सो आंसर विल बी दिस वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 ये जो है स्टूडेंट आप ट्राई करो ठीक है। क्वेश्चन हम समझा दें tan 2a a plus tan a plus b ये a plus b आपका एंगल है ठीक है तो tan a plus b इक्वल टू √3 है और tan दैट एंगल a minus b इज 1/√3 तो आपको बताना है a और b का वैल्यू क्या है जबकि दिया हुआ है कि a plus b का जो वैल्यू है a plus b का सम वो वैल्यू है ना एक अपना मान लो 40 डिग्री है ना और ये 50 डिग्री कुछ भी हो ये दोनों का सम जो है 90 या 90 से कम है और मतलब दोनों एंगल क्या होंगे एक्यूट एंगल होंगे और जिसमें ए बड़ा होगा बी से। सो ट्राई करो स्टूडेंट होप सो ट्राई किए होंगे।
ठीक है, ट्राई करना अपने से बहुत जरूरी है। सो देखो, tan a प्लस बी इक्वल टू बोला रूट अंडर थ्री, और तुमको पता है कि रूट अंडर थ्री किसका वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री का। सो देखो, ये रूट अंडर थ्री के जगह तुम क्या लिख सकते हो स्टूडेंट, tan 60 डिग्री, ठीक है, तुम्हारा LHS में क्या है, tan a प्लस बी। अब देखो स्टूडेंट, ये tan यहाँ भी है, tan यहाँ भी है, ये tan का एंगल है और ये भी एंगल है, तो देखो दोनों इक्वल तब होगा जब ट्रिगो रेशियो तो सेम है, मतलब ये जो एंगल है a प्लस बी और ये जो वैल्यू 60 है वो दोनों क्या होगा, इक्वल। ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, इसी तरह से यहाँ ट्राई करो सेकेंड इक्वेशन निकालने का, ठीक है। सो देखो यहाँ tan, तो tan a माइनस बी इक्वल टू कितना लिखा है, 1/√3, पता है 1/√3 किसका वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री का tan a माइनस बी, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, tan ये दोनों इक्वल है, यहाँ भी tan है यहाँ भी tan है, यानी ये जो एंगल है और यहाँ जो एंगल है दोनों इक्वल होगा तब तो इक्वल होल्ड करेगा, तो a माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया, 30 डिग्री, ठीक, a माइनस बी इक्वल टू 30, तो ये तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब देखो a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30, क्या करो दोनों इक्वेशंस को एड अप करो, देखो a b का वैल्यू निकलेगा कैसे, चलो LHS है यहाँ पर a प्लस बी, ठीक है, और यहाँ LHS क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 को एड अप कर रहे हैं 2 से, ठीक है। सो देखो ऐड करो किससे, a माइनस बी से, ठीक है, LHS LHS ऐड हो जाएगा, इधर RHS क्या है, यहाँ 60 है और यहाँ 30 है, तो 60 प्लस 30, ओके, तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी, बी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचे क्या क्या, 2a इक्वल टू 90, तो a का वैल्यू क्या निकल गया स्टूडेंट, 45, ठीक है। अब a का वैल्यू 45 होगा तो किसी भी क्वेश्चन में पुट करो, चलो यहाँ a का वैल्यू 45 पुट करोगे तो b का वैल्यू तुम्हारा निकल जाएगा, समझ गए स्टूडेंट। सो a, सो b का वैल्यू कितना आ गया, b का वैल्यू स्टूडेंट आ गया तुम्हारा 60 माइनस 45, व्हाट, 15 डिग्री, क्वेश्चन में आपको कहा भी था कि a इज ग्रेटर देन b, सो a का वैल्यू आया आपका 45 और b का वैल्यू आया आपका 15 डिग्री। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग का, और इसमें जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसको आपको बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी बोलता है, क्या ये सही है कि ए प्लस बी जो एंगल है सम है इसको अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। सो चेक करते हैं क्या ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर कोई वैल्यू हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है, और वैल्यू पुट करके देखते हैं कि क्या ये होल्ड करता है, ये इक्वेशन होल्ड करेगा या नहीं। तो देखिए सिंपलिसिटी के लिए ए का वैल्यू ले लेते हैं 30 डिग्री और बी का वैल्यू ले लेते हैं 60 डिग्री, ठीक है। देखो स्टूडेंट क्यों ये क्यों लिए, क्योंकि देखो ए और बी का सम होता है 90, वो आप जानते हो है ना, साइन 90 का वैल्यू, यहाँ अगर आपको अलग अलग भी साइन 30 और साइन 60 का वैल्यू निकालना हो तो आप डायरेक्टली बता दोगे, सो इस वैल्यू को ट्राई किया रादर देन सम है ना कॉम्प्लेक्स वैल्यू। सो साइन ए का वैल्यू आपका 30 है प्लस बी का वैल्यू 60 है, देखो तो ये तो दोनों सम में है, LHS का बात हो रहा है, ठीक है, LHS है, तो साइन कितना हो गया तुम्हारा 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट, होता है तुम लोग का 1, ठीक है। अब देखो RHS देखो ये कितना है, ए का वैल्यू तुम ट्राई कितना ट्राई किए हो, साइन 30 डिग्री प्लस साइन बी का वैल्यू कितना ट्राई करना है 60 डिग्री, है ना, क्योंकि LHS में भी उसी तरह से पुट किए हैं। तो देखो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट, 1/2, और ये कितना हो गया तुम्हारा रूट अंडर 3/2, कभी भी इसका सम वन के इक्वल नहीं होगा, वैल्यू कितना आएगा ये 1+√3/2, ठीक है, तो ये वैल्यू तो कभी 1 होना नहीं है, सो ये होल्ड नहीं करता, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट जो दो क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें पूछा है कि जो साइन 30 है और साइन कॉस जो सॉरी जो साइन थीटा है और जो कॉस थीटा है वो दोनों का वैल्यू इंक्रीज करता है, मतलब क्या, देखो जो तुम जानते हो एंगल्स वो है 0, 30, 45, 60 और 90, क्वेश्चन कहता है कि तुम जब 0 to 90 की ओर बढ़ होगे तो क्या वैल्यू इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, फर्स्ट क्वेश्चन में साइन का, सेकंड क्वेश्चन में कॉस का। तो देखो साइन 0, साइन 30, साइन 45 से साइन 60 और साइन 90, देखो तो वैल्यू क्या बढ़ता है या घटता है, तो देखो कॉमन सेंस, साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0 और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1,
ये तो आइडिया आपको लग रहा होगा, इसी से आप अपने एग्जाम में तो आइडिया कम से कम ऐसे रख सकते कि साइन जीरो का वैल्यू जीरो है तो और साइन 90 का वैल्यू वन है, तो जाहिर सा बात है ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब लेकिन इंक्रीज करने में मीडियन में कुछ गड़बड़ हो गया तो भी एक बात है, तो देख लो साइन जीरो जीरो, साइन 30 वन बाई टू यानी 0.5, नेक्स्ट ये जो 1/√2 होता है आप इसको डिवाइड करो 0.7 समथिंग आएगा, रूट अंडर 3/2 का वैल्यू होता है सम 0.8, ठीक है, और साइन 90 यू नो इट इज 1, सो ये वैल्यू आपको कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सो हाँ ये बात सही है कि साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है ना फ्रॉम 0 to 90। नाउ क्वेश्चन 0 to 90 एक्यूट एंगल के लिए है। नाउ कॉस 30 का वैल्यू, अब देखो आप जानते हो कि कॉस 0° का वैल्यू होता है 1 और कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, तो आपको देखो 0 to 90 अगर आप बढ़ोगे तो ऐसे ही आपको सेंस लग गया कि ये सही नहीं है, वैल्यू इसका इंक्रीज नहीं करता है 0 to 90 में। एक बार चेक भी कर लेते हैं, देखो यहाँ ये वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है, रूट अंडर 3/2, देखो यहाँ हम लोग सम 0.8 समथिंग होता है ये, ठीक है, ये वैल्यू हो गया तुम्हारा ये है ना, ये वैल्यू 1/√2 का वैल्यू होता है सम 0.7, ठीक है, और रूट अंडर 3/2 का वैल्यू होता है सम 0.8, और ये तुम्हारा ये यहाँ पर तुम्हारा कॉस 60 का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू यहाँ पर आता है ना, यहाँ पर ये तुम्हारा वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है, तो ये तुम्हारा कितना हो गया 0.5, और ये वैल्यू 0 तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा ना कॉस के लिए, है ना, चेंज होता है तो 0, तो देखो तो 1 0.8, 0.7, 0.50, ये तो और डिक्रीज कर रहा है जैसे जैसे एंगल को हम बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, क्या ये सही है, चलो एक थीटा वैल्यू के लिए ट्राई करो, अब तुम 0° पुट करके देख लो, साइन 0° और कॉस 0° ये दोनों थीटा बोलता है सेम है ना, तो यहाँ तो दोनों सेम पुट करना पड़ेगा, क्या दोनों इक्वल होता है, बिल्कुल नहीं, साइन 0 इज 0 एंड कॉस 0° इज 1, तो कभी भी नहीं है ना, ऐसा नहीं है, ये तभी इक्वल होता है जब 45° पर होता है ना, साइन 45 का वैल्यू और कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो ये तो किसी भी एंगल के लिए पूछ रहा है ना, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। cot इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल टू 0°, चलो यानी तुमसे सीधा पूछ रहा है कि क्या cot 0° क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है या नहीं, है ना, तो देखो cot 0° कैसे निकलेगा, tan 0° से tan 0 का वैल्यू कितना होता है 0, अच्छा स्टूडेंट 0 मतलब यू कैन राइट 0/1 है ना, सो cot तुम्हारा 0° कितना हो जाएगा, tan 0 का अपोजिट cot 0 हो जाएगा, तो वैल्यू कितना आया 1/0, 0/1 का अपोजिट 1/0, और 1/0 मतलब क्या हो गया नॉट डिफाइंड, सो cot 0° नॉट डिफाइंड है। सो क्वेश्चन क्या तुमसे था, cot इज नॉट डिफाइंड, हाँ सही बात है नॉट डिफाइंड है जब ए का वैल्यू 0° है। सो स्टूडेंट इस चैप्टर में लगभग मैक्सिमम जो भी अच्छे क्वेश्चन थे वो सभी को डिस्कस हो चुका है, नेक्स्ट जो लेक्चर 9 होगा हम लोग का उसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.3 जो एनसीईआरटी का उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।